शोषित और वंचितों के जीवन में एक ऐसा उजाला तैयार कर देगी जैसा उजाला आपने यहां अभी मेरे कहने के बाद कर दिया है। मैं आपसे अपील करूंगा नौजवान साथियों, बैठ जाओ, अगर आप में से एक भी खड़ा रहा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा और मैं ये मान लूंगा कि आपके भरोसे मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। आप दिखावे वाले लोग, कोई भी संघर्ष योद्धाओं के दम पे होता है, भेड़ बकरियों के दम पे कोई संघर्ष नहीं हुआ आज तक दुनिया का इतिहास गवाह है। जब भी मैदान सजता है योद्धा लड़ते दोनों तरफ से एक बढ़ के योद्धा, और योद्धाओं में युद्ध होता है तब जाके परिवर्तन होते हैं। आज भारत में लोकतंत्र है, आज भी योद्धा लड़ते हैं, अगर वो संवैधानिक वोट की शक्ति के लिए लड़ते हैं, और जिनके पाले में ज्यादा योद्धा वोट कर देते हैं वो जीत जाते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणि सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाड़गे जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के नायक के रूप में अपने जीवन को अर्पण करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, उत्तर भारत में अर्धक संघ के माध्यम से मानवता के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले महामना रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू श्री दयाल चौरसिया, संत राम बी ए प्रजापति, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, सर छोटू राम, विश्वधन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशी राम साहब को नमन करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्र सचिव चौधरी अमर सिंह जी, भाई नील पटेल जी, भाई आकिब जी, हमारे समस्त नेतागण जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और इस आयोजन के जो आयोजक कमेटी है उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। पूरा दिन हो गया आपको इंतजार करते हुए, रात हो चुकी है, लगभग 8 बजने वाले हैं। मैं आपके प्यार, विश्वास, धैर्य और समर्पण को जितनी भी बार धन्यवाद करूं कम, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके लिए आज हमने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा निकाली, और जो प्लान हम पूरे देश में कर रहे हैं उस खतरे से वाकिफ कराना मेरी आपको जिम्मेदारी। समाज साथियों, भारत में वंचित वर्ग के लोगों को कोई भी अधिकार मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, हाथ फैलाने से नहीं मिला। समय समय पे इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, जिनके नाम मैंने लिए, उन्होंने सबने अपना जीवन, अपने सुख सुविधाएं त्याग कर मानवतावादी आंदोलन को मजबूत किया, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसको असली ताकत के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में एक ऐसी ताकत हमको सौंपी जिस ताकत ने पशुओं जैसा जीवन जी रहे शोषितों को इस देश की राजगति पे बैठने का अधिकार और अवसर देने का काम किया। सम्मानित साथियों,
क्या हम पे पढ़ने का अधिकार था? क्या हम पे मंच सजा के बोलने का अधिकार था? क्या हम पे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे घर बनाने, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनने का अधिकार था? विधायक, एमपी बनने का अधिकार था? देश की महिलाओं पे एक पार्षद से लेके और राष्ट्रपति बनने का अधिकार था? तो पूरी जानकारी करने के बाद ये पता लगता है कि भारतीय संविधान के आने के बाद जिन पे ना के बराबर अधिकार थे उस हर एक व्यक्ति को भारत में समता, समानता, भाईचारा, अवसर की समता और स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर जो है वो भारत के संविधान ने दिया। आज चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग हो, सिखिज्म को मानने वाले लोग हो या सनातन को मानने वाले लोग हो या भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हो, इन तमाम धर्मों को मानने की आजादी भी भारतीय संविधान ने दी। अगर आज शोषित वर्ग के लोग राजनीतिक आरक्षण के जरिए प्रधान से लेकर चेयरमैन और विधायक और सांसद बनते हैं तो ये अवसर भी भारत के संविधान ने दिया। लेकिन साथियों, आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा और ये खतरा मैं नहीं कह रहा, ये खतरे का जिक्र किया आरएसएस के लोगों ने। अगर आरएसएस का इतिहास जानोगे तो संविधान के पांचवें दिन लागू होने के बाद इन्होंने संविधान का विरोध किया और सिर्फ संविधान का विरोध नहीं किया, देश के मेरे सम्मानित लोगों, भारतीय तिरंगे का विरोध भी आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया और उन्होंने कहा कि हम वो तिरंगा जिसमें हमारा भारत का शहीद लिपट जाता है, जिस तिरंगे के सम्मान को, जिस तिरंगे की शान में हम गौरव से सलूट करते हैं कि वो तिरंगा हमारा देश का राष्ट्र ध्वज नहीं है, ये आरएसएस के लोगों ने कहा। आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी हमारी वोट के जरिए सत्ता में आके भारतीय संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसको खत्म करने का काम कर रही है, इस देश के संविधान की मूल भावना को बर्बाद करने का काम कर रही है। वैसे तो सम्मानित साथियों, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध शांति के प्रतीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भगवान बुद्ध के शांति की धरती से हमें क्रांति की शपथ भी, संकल्प भी लेना पड़ेगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जिस कौम का नौजवान जीते जी अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। मैं जब अपनी बात रखता हूं तो कई तरह से समझाता हूं और एक शायरी के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी ताकत का एहसास कराते हुए कि राजमहलों से ये पैगाम है मेरा देश के हुक्मरान के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम, आरएसएस के मुखिया के नाम कि हमारे सब्र का इम्तहान मत लो, कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम गरीबों से जो उलझेगा वो फना हो जाएगा, हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को कि किसी गलत फहमी में मत रहना। मेरे बहुजन समाज के नौजवान साथियों, अधिकारी कर्मचारियों, आज हर स्तर में आपका शोषण हो रहा है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको तय करना है कि आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हो या संविधान के जरिए स्वाभिमान
वर्तमान का जीवन मिला है उस जीवन को जीना चाहते हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को कि संघर्षों के साय में खनगोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं जवानों को यह कहना चाहता हूं, देश के साथ भारतीय संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, करोड़ों शोषितों वंचितों के हक अधिकार, देश की तमाम महिलाओं को सम्मान और अवसर की देने वाले संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी। इस देश के जैन बौद्ध सिख ईसाई और जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है मुसलमान को सुरक्षा की गारंटी देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। आप हालात को देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि सरकार से जवाब मांगे, जो मना है बोल देते। हमने तय किया है कि इन पाखंडियों की अंधविश्वास की दुकान को भी ताला हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये जो तमाम झूठ आडंबर चल रहा है इसकी पोल खोलने का काम भी हम करेंगे। और किसी भी स्तर पे चाहे संविधान की रक्षा का संकल्प हो, संविधान बचाओ देश बचाओ, या फिर ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस नारे को मजबूत करते हुए आज जो संकल्प यात्रा यहां से शुरू हुई है, ये बुद्ध की धरती से जो हमने शुरू की है, अब ये पूरे देश प्रदेशों में गांव कस्बों मोहल्लों में नगरों में जाएगी। इसके बाद 19 तारीख से यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है और 27 तारीख से राजस्थान में। और अब हम लोग प्लान बना के आज जो आरएसएस बीजेपी के मंसूबे में जो कील ठोकने का काम आपने किया, इतनी बड़ी सभा करा के और रात के 9 बजे भी यहाँ बड़ी मजबूती से डट के आपने जो आज अपनी ताकत दिखाने का काम किया, चौधरी अमर सिंह के हाथों में मजबूत करने का काम किया, यहाँ की जिले की कमेटी के हाथों में मजबूत करने का काम किया, मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जिससे दिल्ली का रास्ता खुलता है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस यात्रा को के जरिए गांव गांव में जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना और उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे को जो देश के ऊपर मंडरा रहा, इसके प्रति जागरूक करके इकट्ठा करने का काम हम लोग करेंगे। और जैसा सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका नहीं जा सकता, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की गली गलियों में ऐसे घूम के हम अपने बहुजन समाज के लोगों को जगा के उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लेंगे। ऐसा संकल्प भी हमें लेना है। समाजिक साथियों, इस देश में एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि 50,000 महिलाओं के साथ हत्या रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती है देश में, क्योंकि ये वो आंकड़ा जो दर्ज होता है। असल सच ये है कि 10 में से 1 सत्ताओं के आगे 1 मामला दर्ज होता है, यानी कि एक्चुअल घटनाएं 5 लाख के करीब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका खून होने के नाते, एक पिछड़े वर्ग का बेटा होने के नाते, कि अगर आप उसकी गहराई में जाने का प्रयास करो तो आपको जानकारी मिलेगी कि 95% वो बच्चियां बहने आपके समाज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सम्मानित मेरे बहुजन समाज के वो योद्धाओं, ये बताओ आपके जमीर को आपकी हिम्मत को क्या हो गया है? जिनकी संख्या इतनी सी है वो हमारे लोगों को नोच रहे हैं और हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी जवानी को हो क्या गया मेरे वीरों? क्या ऐसी मुसीबत आई है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हो? सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर सरकार के संरक्षण में भी गोली चले। आज उस गोली के बाद मैं पूरे रास्ते
आपके सामने खड़े होकर आया। मौत तो कल भी आनी है, मौत आज भी आएगी, मौत अगर यहाँ आनी है तो मौत यहाँ भी आएगी, लेकिन डर के अगर जीना है ऐसे जीने को मैं जीना है यहाँ का। कितनी गोली हमारे, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशें, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशों से खून की ओझा खेलेंगे। आपको बीमारी के जरिए बहुजन समाज के हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया, सरकार को साथ जानकारी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता कि अगर इस अन्याय को रोकना, नौजवानों को अगर रोजगार चाहिए, आप गरीब जनता को महंगाई से निजात चाहिए, बैंक बेटियों की सुरक्षा चाहिए, अगर हक अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो संघर्ष के लिए कमर कस लो वीर बहादुर जी। आपके साथियों कोई रास्ता नहीं है, कोई आपके रोने चिल्लाने पर दया नहीं करेगा। अगर दया करता 2000 साल में कर देता, भगवान बुद्ध के समय से लेकर अब तक देख लो 250 साल हो गए, किसी ने आपकी उस पर दया नहीं की। जब तक आपकी लड़ाई लड़ी, आपके अपने लोगों ने लड़ी, तो दुश्मन से उम्मीद मत करो कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको अपने कंधे पर अपने आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। और एक और बात, क्या इस लोकतंत्र में अमीरों का इलाज होगा, गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते? मैं आपसे जानना चाहता हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 20,000 पदों का, 20,000 दलित पिछड़ों के बच्चे घर रह गए, किसी को तकलीफ हुई क्या? आप बताओ मेरे साथियों, 20,000 बच्चों को नौकरी मिलती, एक घर में 5 आदमी, 1 लाख लोग सुरक्षित होते, उसकी एक पीढ़ी सुरक्षित होती है, क्यों नहीं बोले नेता? दरोगा भर्ती में घोटाला हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों का एमएसपी गारंटी नहीं मिली। अगर आशा आंगनबाड़ी अपने हक के लिए लाठी मारते, कोई भी गांव का कर्मचारी अपने हक के लिए आएगा लाठी मारते। मैं आपसे जानना चाहता, जो आपको लाठी मार रहे हैं वो आपको अधिकार दे देंगे क्या? कब तक मेरे बहुजन समाज के लोग दुश्मन पे भरोसा करके लूटते पिटते रहेंगे? ये बंद होना चाहिए। इसलिए आज मैं बुद्ध की धरती से आपसे ये कहना चाहता हूं कि आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ मेरे साथियों, जहां जहां बैठे हो वहीं खड़े हो जाओ, और दोनों हाथ उठा के संकल्प करो मेरे साथ। मैं यहां से जो बोलूंगा आप अपने दिल से जवाब देना कि आप क्या सोच रहे हैं। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो गांठ बांध लो, अगर संविधान की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है, अपने हक अधिकारों की रक्षा करनी है, तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। और कीमत यह है कि कमर कस के अपने क्षेत्र में चले जाओ, और जिस तरह आज मैं आपको जगा रहा हूं, आप भी बस्तियों में जाके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करो। और ऐसे अगर यह काफिला चलता रहा तो कुछ ही दिनों में एक ऐसा सैलाब आएगा जिस सैलाब के आगे भारतीय जनता पार्टी की ये बस्ती हिला रेखा के डूब जाएगी और इनका पता भी नहीं लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी हमारी ध्यान देते हुए, क्योंकि आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूं, क्या हमारी माए हमें इसलिए पैदा करती हैं कि हमें जाति धर्म के नाम पर या स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने के नाम पर हमारी हत्या हो? ये सोच के ना हमारी माँ हमें पैदा करती और न ही हमें पालती। उस माँ के कर्ज को भी हमें चुकाना, वो माँ भी हमसे उम्मीद करती होगी कि एक दिन हमारा बेटा
उस मां के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। मैं आप अपनी जेब में हाथ डाल के देखो मेरे लोगों, क्या मां के सपनों को पूरा करने के साधन आपकी जेब में है मेरे लोगों? कितने लोगों के पास 4 रुपयों की गाड़ी है? कितने लोगों के घरों में एसी लगे? कितने लोगों ने अपनी मां को हवाई जहाज से सफर कराया? कितने लोगों ने अपनी बहन को विदेश घुमाया? कितने लोगों ने बिजनेस लगाए, फैक्ट्रिया लगाई? कितने लोगों को उद्योग धंधे हैं? कितने घरों तक सरकारी नौकरी पहुंची? हाथ तो जाना, क्या धर्म की लड़ाई में गुजरे? धर्म आपके मुद्दों को दबाने की एक दवा है उनके पास। धर्म को हथियार बना के भारतीय जनता पार्टी हमें बेवकूफ बना के इकट्ठा करके अपना राज चला रही। ये धर्म के अफीम को जवाब आप जानते हैं, कमंडल की काट मंडल है। हमें मंडल के आंदोलन को पुनः खड़ा करना पड़ेगा, जातिगत जनगणना होगी, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू होगी, सामाजिक करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ना मैं सरकार को भूलूंगा और ना आपके कार्य कलाप को भूलूंगा। आप मेरी रक्षा करो ना करो छोड़ो, आप मेरे लोगों की रक्षा करो, क्योंकि उनकी उनकी मेहनत कमाई की टैक्स लेके आप लोग कुर्सियों पर बैठे डीएम साहब और एसएसपी महोदय यहां जिले में। ये बात आप याद रखना, आप ये मानना कि जितना समय दिल्ली से आने में लगता है उतना ही समय लगेगा। लेकिन उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने ऊपर हुए तमाम तरह के विरोध को सह सकता हूं, लेकिन अपनी बहनों माओ, अपनी बच्चियों और अपने भाइयों बुजुर्गों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप दोनों अधिकारियों के लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई हमारे लोगों के लिए यहां कानून व्यवस्था करके न्याय का ऐसा माहौल बना के रखना कि कभी आपको और मुझे टेबल पे बैठना ना पड़े। क्योंकि जिस दिन आप और मैं एक टेबल पे आमने सामने बैठेंगे न्याय के लिए अगर मैं आया, तो शायद अगले दिन मुख्यमंत्री, क्योंकि न्याय को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन अगले दिन मुख्यमंत्री आपको इस जिले में नहीं रखेंगे, वो शाम के टाइम आपको किसी और जिले में भेज देंगे। और अगर मेरे लोगों ने मौका दिया और हम उस टेबल पे बैठे, जिस टेबल पे जिस कुर्सी कलम में कुर्सी के कलम में ताकत होती है, तो विश्वास करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार भाईचारा बना के रखना, ऐसे जुट होकर लड़ना में हमें सरकार